नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं हूं नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे घोटाले और घपलों की बातें भी खुलकर अब सामने आने लगी हैं। कभी विपक्ष सत्ता पक्ष पर तो कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। अब इसी कड़ी में शुक्रवार 9 जून को भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। 2 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने 4 इमली स्थित मंत्री के सरकारी बंगले का बड़े लाव लश्कर के साथ घेराव किया। दरअसल पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सरकार के दिग्गज नेता और नगरी आवास और शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। समय समय पर इसे लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा भी खड़ा किया। बढ़ते विवाद को देखते हुए भाजपा ने इस मामले की जांच भी करा ली, परंतु युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगरी प्रशासन मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी हैं। ऐसे में प्रदेश की किसी भी एजेंसी द्वारा उन्हें क्लीन चिट दिलाना इतना मुश्किल नहीं है। कांग्रेसियों का कहना है कि यदि मंत्री भूपेंद्र सिंह इतने ही सच्चे हैं तो अपनी अनुमानित संपत्ति की जांच सीबीआई और ईडी से क्यों नहीं करवाते, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो जब तक जांच पूरी न हो जाए मंत्री जी से इस्तीफा देने की मांग कर ली, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि मंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। बता दें कि कल हुए हंगामे के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस की शिकायत पर नगरी प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लोकायुक्त की टीम ने जांच शुरू कर दी है। लोकायुक्त की टीम ने मंत्री से 8 अगस्त तक अपनी संपत्ति के संबंध में जवाब मांगा है। लोकायुक्त में शिकायत दर्ज होने के बाद कांग्रेस भूपेंद्र सिंह और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रकाश चौकसे ने आरोप लगाया कि मंत्री भूपेंद्र सिंह एवं उनके परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा वर्ष 2008 से आज तक करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति एकत्रित की गई। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि पिछले 19 वर्षों के शासन में शिवराज सरकार ने भारी भ्रष्टाचार किया है और जनता की मेहनत की कमाई को लूटा है। हालांकि करीब आधे घंटे तक मंत्री के बंगले के बाहर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार हंगामा करते रहे, परंतु मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले का घेराव करना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में विवेक त्रिपाठी, सुदय तिवारी समेत 6 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि लोकायुक्त की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।